Hello friends, myself Jubin Shah and I am coming to your city Rewa, Madhya Pradesh on 14 July for the Grand Fashion Show Vindas Top Model Search 2019 which is organized by Kartik Mishra and Nihal Pandey. So check out the caption below to contact them and get yourself registered as soon as possible. See you all over there. Love you. आपके साथ मैं हूं आज और आप देख रहे हैं तेज खबर 24। भोपाल के विधानसभा भवन से खबर आ रही है जहां मध्य प्रदेश विधानसभा में 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार अपना बजट बस कुछ ही देर में पेश करने जा रही है। वित्त मंत्री तरुण भनोट विधानसभा में बजट पेश करने के लिए बंगले से रवाना हो चुके हैं। न लाल कपड़ा न चमड़े के ब्रीफकेस, जूट के फोल्डर में बजट लेकर निकले भनोट। पत्नी मलाविका ने तिलक लगाकर काजू कतली खिलाकर कहा ऑल द बेस्ट तरुण। लेकिन प्रदेश की जनता को इस बजट से खासी उम्मीद है, आपको क्या लगता है कि आपके पिटारे में क्या निकलने वाला है उनके लिए? कोई पिटारा नहीं है, ये तो मेरा कुछ को अर्पण क्या लगे मेरा, मध्य प्रदेश की जनता जो अपेक्षा सरकार उसको पूरा करने का हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ईमानदारी भरा प्रयास। कुछ परंपराओं में भी बदला हुआ है, देखा कि बजट के समय लोग सूटकेस लेकर निकलते हैं वित्त मंत्री, आप तो एक फाइल लेकर सीधे विधानसभा। बड़ा अच्छा एक फोल्डर है मध्य प्रदेश सरकार का, पहले भी मैंने इसका उपयोग किया है। सर इसके अलावा जिस तरीके से आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है उसमें साफ तौर पर यह जताया जा रहा है कि प्रदेश कई इलाकों में पिछड़ापन है, कैसे पिछड़ापन दूर होगा, बजट में प्रावधान करेंगे इसके लिए? पिछड़ेपन के दोषी लोग सदन में बैठकर का धरना मचा रहे हैं, उनसे पूछिए कितना कर्ज प्रदेश की सरकार पे चढ़ा है, उसका लाभ क्यों नहीं हुआ, ढिंडोरा पीटते रहे और हर स्थिति में हर पायदान पर मध्य प्रदेश सबसे नीचे खड़ा रहा, उसके जिम्मेदार वो है। आगे का मार्ग मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम ऐसा प्रशस्त करेंगे कि मध्य प्रदेश पुनः पटरी पर आए और आगे बढ़े। शिवराज जी कह रहे हैं कि